नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह पटेल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम जानते हैं बवासीर के बारे में। मित्रों, जो बवासीर होती है यानी जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, मित्रों पाइल्स होता क्यों है? मित्रों, आज की डेट में यानी कि आज के समय में जो लाइफ स्टाइल हो गई है उसके वजह से बाइल्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि मित्रों कह लीजिए 30-40% लोगों में यदि उम्र 20 से ऊपर जा रही है तो समझिए 30-40% लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें पाइल्स की शिकायत होती है और कभी न कभी हुई रहती है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाइल्स होता क्यों है। मित्रों, इसके लिए कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत मुख्य रोल अदा करते हैं। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है यानी कि बार बार कब्जियत हो रही है और लैट्रिन हमेशा टाइट होती है यानी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो मित्रों बवासीर की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि पाइल्स ना हो, उसके लिए आप फाइबर्स युक्त खाना खाएं यानी कि साग सब्जियां ज़्यादा यूज करें। उसके साथ साथ तेल मसाले वाली चीज़ें आप बिल्कुल परहेज करिए। मित्रों, सबको परहेज करना चाहिए, तेल मसाला खाना कोई अच्छी बात नहीं है। मित्रों, तेल मसाला आज की डेट में सभी लोगों को परहेज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए और नॉनवेज वाली चीज़ें कभी कभार खाना चाहिए। यानी कि यदि जो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें भी पाइल्स की दिक्कत होती है क्योंकि उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन की ये दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मित्रों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप आज ही से अपने खाने पीने पर ध्यान अच्छे से दीजिए ताकि आपका जो भी खाना पीना है वो आपके लाइफ स्टाइल पर असर न डाले और आप अच्छे से तंदुरुस्त और ठीक ठाक बने रहें और आपको पाइल्स या बवासीर कभी ना हो। तो मित्रों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा और उसके साथ साथ मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं बता रहा हूँ। मान लीजिए जिन लोगों को हो गया है तो मित्रों उनका ठीक भी करना है। मित्रों, उसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ जिससे कि आपकी पाइल्स 100% गारंटी के साथ मित्रों ख़त्म हो जाती है। जो भी पाइल्स हो, किसी तरह की पाइल्स हो, पाइल्स ख़त्म हो ही जाती है। लेकिन मित्रों, आपको दवा जो है साथियों कुछ दिन तक लगातार करना पड़ेगा, यानी कि 5-6 महीने या साल भर तक लगातार खाइए, आपकी पाइल्स की दिक्कत यानी बवासीर की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, पहले दवा रेगुलर खानी पड़ेगी कुछ दिन लगातार, फिर उसके बाद उसमें डोजेज में कमी आएगी यानी कि दवा को हम गैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद दवा कुछ दिन खानी पड़ती है बीच बीच में, फिर उसके बाद दवा बंद हो जाती है और आपकी पाइल्स या बवासीर भी दूर हो जाती है। तो मित्रों, आइए चलते हैं, आपको हम बताते हैं अब आपको पाइल्स की जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। मित्रों, सबसे पहले मैं नाम लूँगा एसिडम नाइट्रिकम। मित्रों, इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, एसिडम नाइट्रिकम के नाम से भी आती है और आप इसको नाइट्रिक एसिड भी बोल देते हैं। तो मित्रों, ये दवा है, देखिए WSI की मित्रों है, ये है नाइट्रिकम एसिडम। मित्रों, 1 mg पोटेंसी में लेना है यानी कि 1 mg में आपको सिर्फ 2 बूंद सुबह सुबह एक बार लेना है। मित्रों, इसमें से 2 बूंद सुबह सुबह सिर्फ एक बार लेना है। यदि आप गोली में बनवाते हैं तो फिर आपको 6 गोली सुबह सुबह एक बार लेना है, 30 नंबर की गोली हो तो। 40 नंबर की गोली है तो फिर आप 4 गोली सुबह सुबह एक बार लीजिए। उसके बाद मित्रों, दूसरी दवा का नंबर आता है मित्रों हेमामेलिस। मित्रों, ये देखिए हेमामेलिस है, मित्रों ये है हेमामेलिस, 200 पोटेंसी में है मित्रों, 200 CH में। आपको इसको सुबह शाम 2 बार लेना है यानी कि 2 बूंद सुबह में। मित्रों, इसमें से जवान पे इसको खोलेंगे, खोलने के बाद आप 2 बूंद जवान पे टपका लेंगे, 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद शाम को लेना है, आपकी पाइल्स में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा। उसके बाद मित्रों, तीसरी दवा आती है एस्कुलस हिप। मित्रों, एस्कुलस हिप है ये, देखिए एस्कुलस हिप, ये भी 200 पोटेंसी में है मित्रों, इसको भी आपको सिर्फ सुबह शाम 2 बार लेना है यानी 2 बूंद सुबह में 2 बूंद शाम को, यानी कि तीनों टाइम नहीं लेना है। मित्रों, उसके बाद तीसरी दवा आती है मित्रों, सॉरी चौथी मित्रों, ये कार्बोवेज है। मित्रों, कार्बोवेज
कार्बोवेज भी 200 पोटेंसी में है मित्रों, इसको भी दो बूंद सुबह, इसमें से दो बूंद सुबह में दो बूंद शाम को लेना है, आपकी बवासीर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मित्रों ये जो दवाएं हैं, मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, ये जो कार्बोवेज है बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन ये सारी दवाएं आपको यूज करना है, कुछ दिन लगातार खाइए, आपकी पाइल्स या बवासीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मित्रों यदि आपको लंबे दिनों से, काफ़ी दिनों से बवासीर, मित्रों यदि काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, यानी कि बवासीर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसके साथ साथ आप R30 नंबर, मित्रों ये आता है R30 नंबर, जर्मन कंपनी की दवा है मित्रों, रेगवेक कंपनी की दवा है, आपको इसको 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को लेना है, यानी कि 10 बूंद सवेरे और 10 बूंद शाम को, सिर्फ दो बार इसको भी लेना है, आपकी बवासीर मित्रों गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगी। मित्रों आपको बवासीर की ज़्यादा दवा नहीं करनी पड़ेगी, और कुछ दिन खाइए, आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी मित्रों, पूरी गारंटी के साथ। मैंने अपने पेशेंटों को देता हूँ और देखता हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मित्रों। मित्रों आपको मैं ये बता दूँ कि जो एस्ट्रोजन नाइट्रिकम है, यदि जलन हो रही है तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है मित्रों। उसके साथ साथ यदि ज़्यादा जलन होती है तो कभी कभार आप बीच में सल्फर 200 की एक खुराक, मित्रों 200 CH में सिर्फ एक खुराक ले लें, फिर कुछ दिन तक के लिए छोड़ दें, आप फिर उसको दवा रिपीट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको नहीं खानी है, 200 पोटेंसी में सिर्फ एक बार लीजिए, फिर महीनों का वेट करिए यदि जलन हो रही है। लेकिन मित्रों ये तीनों चारों दवाएं, सारी मैंने जो चारों दवाएं बताएं उसको आप लगातार लीजिए, और रेगवेक कंपनी की जो है मित्रों काफ़ी महंगी भी पड़ती है, उसके अनुसार यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसको लीजिए, यदि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो फिर आप उसको मत लीजिए, आपको इतने ही दवा से आराम मिल जाएगा। तो मित्रों बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मित्रों, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।